So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about जो आपका letter है, allotment letter, confirmed seat का, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. उसको थोड़ा सा मैं explain करूंगा. और जैसे कि आपको पता होगा, मैंने एक community post डाला था, तो उसमें पूछा था कि आपका कोई suggestion है कोई topic को लेकर, मतलब next suggestion, next topic क्या होना चाहिए. तो बहुतों का कमेंट आया था कि भैया एक बार अलॉटमेंट लेटर के बारे में अच्छे से बता दो. बहुतों को प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, ये वाला एक प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं. तो मैं लेटर के हिसाब से आपको बताऊंगा क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है. क्योंकि आपको पता होगा पैंडेमिक की वजह से बहुत से ये भी पूछ रहे कि भैया क्या मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ये वाला सवाल भी बहुत आ रहा है. और जो दूसरी चीज मैंने देखा था टॉपिक, तो बहुत से ये भी पूछ रहे हैं कि भैया जो फैब बैच आने वाला है, ये 2021 का अगस्त बैच है, उसके लिए वीडियोस बनाऊं. तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैब बैच के लिए ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं और उसको आप अच्छे से देख लो एक बार, बहुत ही चीजें आपको पता चल जाएंगी. और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि छोटी से छोटी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आप कहीं पे आधा देख के छोड़ देते हो तो यहां पर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है. और तो हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे जो आपका लेटर है उसके हिसाब से. मे भी यहां पर अगर चीज कोई गलत हो जाती है तो बिल्कुल मुझे नीचे करेक्ट करें जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो. तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अलॉटमेंट लेटर की. और जो पहला पॉइंट था उसमें, जैसे कि आपको पता होगा कॉन्ग्रेचुलेशन के अलावा, दूसरा जो यहां पर पॉइंट होता है वो है कि आपको एक डेट मिली होगी और उस डेट को आपको वेरिफिकेशन कराने हैं अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे उसका वेरिफिकेशन आपको कराना होगा. उसके अंदर आपके आ जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर आपके आ जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है. तो उसके बाद हम बात करते हैं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की पेमेंट भी वहां पे करनी होगी. फर्स्ट सेमेस्टर की पेमेंट ये जरूरी है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है. एंड उसके बाद हम बात करते हैं कॉशन डिपॉजिट की, वो भी यहां पर इंपॉर्टेंट है. आपको वहां पे पेमेंट करनी होगी कॉशन डिपॉजिट की. कॉशन डिपॉजिट का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आपके जो कैंपस है ना, आईएमयू का कैंपस, उसमें आप कोई तोड़फोड़ वोड़फोड़ कर लेते हो तो वहां से वो कट जाएंगे. तो कॉशन डिपॉजिट बेसिकली 20,000 होने वाली है जो कि बाद में रिफंडेबल हो जाती है. अगर आपने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, कोई प्रॉब्लम नहीं की है प्रॉपर्टी को, तो वो आपको बाद में रिफंड हो जाते हैं एट द एंड ऑफ कोर्स. और अगर आप जो भी मैंने अभी बताया आपको, जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गए, पेमेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, आपका कॉशन डिपॉजिट हो गया, इसमें से आप किसी को भी देने में फेल हो जाते हो तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी. आप ड्रॉप आउट की तरह एक ट्रीट किए जाओगे, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, इन एलिजिबल हो जाओगे आप अपग्रेडेशन के लिए और आपका जो रिफंड होगा वो नहीं हो पाएगा. सबसे पहले जो आपने 10,000 जो स्टार्टिंग में दी थी और 25,000 जो सीट को कंफर्म करने के लिए दी होगी ना, तो वो आपका रिफंड नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये चीज यहां पर मेंशन है तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें. और 2 नवंबर को आपको रिपोर्टिंग दी गई होगी डेट, जो बेसिकली सब बता रहे थे. और आईएमयू कैंपस में आपको 2 नवंबर को रिपोर्टिंग करनी है और ये चेंज हो सकती है क्योंकि पेंडेमिक के हिसाब से यहां पर बताई गई है अभी 2 नवंबर, लेकिन अगर केसेस कहीं बढ़ जाते हैं तो उस हिसाब से चेंज भी हो सकती है, लेकिन 2 नवंबर को आपको रिपोर्ट करना है. ठीक है, और एक चीज यहां पर बता दूं, जब आप स्टार्टिंग में सेमेस्टर फीस अगर आपने दे दी तो वो रिफंडेबल नहीं है, एक बार दे दी तो दे दी. ठीक है, अगर आप बाद में उसे आपको मन बदल जाता है कैसे ना कैसे, तो बाद में आप उसे वापस नहीं ले सकते हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी. और हॉस्टल फैसिलिटी स्टार्ट भी हो जाएंगी, जैसे आपका एडमिशन की जो डेट होगी ना, स्टार्ट होंगे जैसे आपके एडमिशन, तो आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी. और बेसिकली इसमें एक पॉइंट मेंशन किया गया है, वो है 2 नवंबर से आपके जो सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी. और एक चीज और यहां पर जो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच हो जाता है, मतलब आपने जो डिटेल्स पहले भरी थी फॉर्म भरते वक्त या जब आपकी रैंक लिस्ट आ जाती है, कुछ भी अगर आपका थोड़ा मिसमैच हो गया अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा. सो
सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो कि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास होने चाहिए. जैसे कि आप 2 नवंबर को रिपोर्टिंग करोगे और उस टाइम पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले आपके पास एक एज प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट हो सकती है. फिर उसके बाद हम बात करें 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है, ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. फिर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी होना चाहिए. फिर आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है. अगर आपने फॉर्म भरते वक्त अपनी जो कैटेगरी है एससी एसटी डाली है और ओबीसी एनसीएल डाली है, ठीक है, ओनली ये 3 पे एप्लीकेबल है, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल. अगर आपकी ये कैटेगरी थी तो आपको इसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, या आपके पास पहले से है तो आपको वो वहां दिखाना पड़ेगा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आधार कार्ड. आधार कार्ड आप सबके पास होता है, उसको भी आपको वहां दिखाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के टाइम पे. फिर हम बात करते हैं IMU CET रैंक सर्टिफिकेट जो आपका है उसकी एक कॉपी बना लो, एक प्रिंटेड कॉपी, और उसको भी आपको वहां दिखाना पड़ेगा. और जो अगला जो आपका सर्टिफिकेट है वो है EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. अगर आपने जनरल में ये टिक किया होगा ना, देखो जनरल में जब आप टिक कर रहे थे फॉर्म को स्टार्टिंग में, तो आपने ये टिक किया होगा अगर कि आपकी जो यू नो हाउस होल्ड जो इनकम है अगर वो कम थी, और फिर आपका EWS का एक ऑप्शन होता है उसमें आपने टिक किया है, तो आपको EWS सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है. और ये बहुत से पूछ रहे थे कि भैया EWS सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेगी. और एक और चीज जो लास्ट चीज है वो है 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको जरूर चाहिए होंगे. लेकिन मैं कहीं ना कहीं रिकमेंड करूंगा कि 2 से नहीं 12-14 ऐसे कुछ कॉपी ले जाना कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेडिकल सर्टिफिकेट. और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया कि मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनाना है, और ये बहुत सी चीजें पूछ रहे थे. तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी. जो पहली चीज है, अगर आप हो BSc नॉटिकल साइंस से, BTech मरीन इंजीनियरिंग से, या DNS से, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, DGS अप्रूव्ड डॉक्टर उससे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा. और उसके लिए आपको क्या कर सकते हो, नीचे मैं एक लिंक छोड़ दूंगा, वहां से आप किसी DGS डॉक्टर से कॉल करके अपॉइंटमेंट देके, टाइम नहीं लगता है, ठीक है, IMU वाले में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक दिन में ही आपका काम हो जाएगा. आप उससे अपॉइंटमेंट लीजिए और वो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना देगा. और इसमें बेसिकली जो मेन है वो है आपकी आई साइट फिटनेस. जैसे कि आपको पता होगा डेक और इंजन के लिए अलग अलग होती है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना. एंड अगर आप हो BTech नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग से, तो वो सर्टिफिकेट जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ले सकते हो. बेसिकली यही है, ठीक है. और बहुत से ये भी पूछ रहे थे कि भैया रिपोर्टिंग के टाइम तक ये बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन में आपका बन जाएगा ये मेडिकल सर्टिफिकेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. और आप पहले कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए. और ये भी पूछना कि कोरोना का जो टेस्ट वेस्ट कराना है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा ये भी हो सकता है, तो एक बार पूछ लेना, ठीक है, उनसे अच्छे से बात कर लेना और अपॉइंटमेंट लेके आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना के, एंड देन ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई कराना होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेमेस्टर फीस आपको पे करनी होती है. तो सेमेस्टर फीस बेसिकली जो है BSc नॉटिकल साइंस, DNS, BTech मरीन इंजीनियरिंग, BTech ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर जो भी है, तो उनकी हर सेमेस्टर की जो फीस होने वाली है वो होने वाली 1 लाख, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की 1 लाख, सेकेंड सेमेस्टर की 1 लाख. तो स्टार्टिंग में आपको ये पे करनी होगी 1 लाख. और ये चीज आप ध्यान रखना, जो आपको सेमेस्टर फीस पे करनी है वो आपको करनी है डिमांड ड्राफ्ट से, ठीक है, चेक वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना. अगर आप प्रिपेयर होके जाओगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज वहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है. और जो मैं कॉशन डिपोजिट की बात कर रहा था, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन कॉशन डिपोजिट का मतलब यहां पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो ना, तो वहां से आपके काट दिए जाएंगे. जो कॉशन डिपॉजिट का जो स्टार्टिंग में जो आप डिपॉजिट कराएंगे वो है आपका 20,000, और एट द एंड ऑफ कोर्स जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने कोई डैमेज नहीं किया तो ये वापस आपको मिल जाएंगे, ठीक है. और जो मेन पॉइंट्स है इसमें, थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि अगर आपने सब सबमिट करा लिया, सपोज करो आपने काउंसलिंग फीस जमा करा दी थी, प्रोग्राम फीस जमा करा दी, सेमेस्टर फीस जमा करा दी, और फिर आपका मन करता है बीच में कि यार आप निकल जाते हो, मतलब आप IMU कैंपस से बाहर आना चाहते हो, मतलब
निकलना चाहते हो या वहां से कोई प्रॉब्लम हो के आपको निकाल दिया जाता है, तो आपका जो सेमेस्टर फीस है, प्रोग्राम फीस है या काउंसलिंग फीस है, वो रिफंड नहीं होने वाली है। ये चीज का ध्यान रखना। और हर चीज में यू नो रिफंड वाला ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कहां कहां पे आपका रिफंड नहीं होगा, तो इस चीज को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नजरिए से देखना कि अगर आप यू नो ये क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपका ये रिफंड नहीं होगा, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं एग्जाम फी। तो एग्जाम फी आप ना सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम होंगे ना, अगर आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसका जब एग्जाम हो रहा होगा तो उससे पहले यहां पर आपको बता दिया जाएगा एग्जाम फी के बारे में, और तब वो आपको देनी होती है। तो ये जो सारी डिटेल्स है वो मैंने आपको अलॉटमेंट लेटर के हिसाब से बताई है, और कहीं अगर कुछ भी मिस कर दिया होगा मैंने तो नीचे आप मुझे करेक्ट कर सकते हो या आप बता सकते हो कि भैया ये इन्फॉर्मेशन छूट गई है। तो बेसिकली यही थी, और ये वीडियो के बारे में बहुत से बोल रहे थे भैया इस पे ही वीडियो जल्दी से जल्दी बनाओ, तो आजकल वैसे मैं थोड़ा सा बिजी था तो इस वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। तो इस पे मैंने जब यू नो कमेंट्स चेक किए तो बहुत ज्यादा कमेंट थे, मतलब आप कह सकते हो 150 कमेंट ऐसे ही इन्हीं टॉपिक पे रिलेटेड थे कि भैया ये वाली वीडियो बना दो। तो दैट्स वाई दिस वीडियो इज फॉर यू, और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से रिपोर्टिंग कर लोगे। और एक चीज का थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना कि थोड़ा सा ना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करोगे तो काफी दूर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि ना सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना का भी ये सीन दिमाग में रखना कि आप थोड़ा सा अपने आप को यू नो फिजिकली कहीं टच ना करो, और जिससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। यार कोरोना हो गया तो समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम तो होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।